मैं लेटा हुआ था, मेरी पत्नी सिर सहला रही थी। मैं धीरे धीरे सो गया, जागा तो वो गले पर विक्स लगा रही थी। मेरी आँख खुली तो उसने पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? मैंने हाँ मैं सिर हिलाया तो उसने पूछा कि खाना खाओगे? मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा हाँ। उसने फटाफट रोटी सब्जी दाल चटनी सलाद मेरे सामने परोस दिया और आधा लेटे लेटे मेरे मुंह में कौर डालती रही। मैंने चुपचाप खाना खाया और लेट गया। पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खिलाकर खुद को खुश महसूस किया और रसोई में चली गई। मैं चुपचाप लेटा रहा, सोचता रहा कि पुरुष भी कैसे होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने कुछ नहीं किया था और तो और एक फ़ोन करके उसका हालचाल भी नहीं पूछा था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने उसे ब्रेड परोसकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ जरा सी सर्दी क्या हुई और वो मेरी माँ बन गई। मैं सोचता रहा कि क्या सचमुच महिलाओं को भगवान एक अलग दिल देता है? महिलाओं में जो करुणा और ममता होती है वो पुरुषों में नहीं होती क्या? मैं सोचता रहा। जिस दिन मेरी पत्नी को बुखार था उस दोपहर जब उसे भूख लगी होगी और वो बिस्तर से उठ ना पाई होगी तो उसने भी चाहा होगा कि काश उसका पति उसके पास होता। मैं चाहे तो सोचूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर पुरुष को एक जन्म में औरत बनकर ये समझने की कोशिश करनी ही चाहिए कि सचमुच कितना मुश्किल होता है एक औरत का औरत होना और माँ होना, पत्नी होना और बहन होना। औरत के त्याग और समर्पण को समझिए। औरत के सम्मान के लिए हमारी पोस्ट शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऐसी ही और पोस्ट देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद।